देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आजादी के इतिहास की सबसे बड़ी पार्टी और आज भी एक जनतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए चल रही है और इसी प्रक्रिया के चलते लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चलते ही मुझ जैसे एक छोटे से पार्टी के सिपाही को एक बड़ी जिम्मेदारी दी खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया। यह जो मेरी अकेले की बात है सर, आप देख रहे होंगे पूरे इलाके में आप जाइए, इलाके के ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता, मंडल के, सेक्टर के, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, जिला वार्डी और जो जितने भी यहाँ पर प्रभारी हैं उन सबके सहमति से और कांग्रेस पार्टी ने ये तय करके कि एक जीतने वाला उम्मीदवार ले और ऐसा करके मुझ पर विश्वास किया। तो जैसे आपने बोला कि किस तरह से देखते हैं, तो ये कार्यकर्ता का जो उत्साह जुनून है और एक परिवर्तन की बात है। देश में जिस प्रकार का नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है, बात होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, जो प्राथमिक आवश्यकता की मूलभूत चीजों की बात होना चाहिए। सरकार की जो जवाबदारी होती है तमाम प्रकार के टैक्सेस के माध्यम से रेवेन्यू कलेक्ट करके जनता के कल्याण की एक बात होती है, तो वो बात तो दूर हो गई है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को, मलाई मिठाई खाने वाले लोगों को ये सरकार आगे कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जनता अब समझ चुकी है, रोजगार बहुत दुर्लभ हो रहे हैं, युवा साथी तरस रहे हैं रोजगार के लिए, 10-10, 15-15 साल से डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनको रोजगार की कोई बात नहीं हो रही है। ऐसी सिचुएशन में जब जनता समझ चुकी है, युवा समझ चुके हैं, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ करके निर्णय लिया है, जिसमें हमारे जिले की पूरी तमाम प्रकोष्ठ की बाड़िया, प्रदेश का नेतृत्व, देश का नेतृत्व ने विश्वास किया है, तो अब जनता कांग्रेस पार्टी के समर्थन मतदान करेगी और हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से, ऐतिहासिक रूप से जीत हासिल करेंगे।